Hello, my dear student of Standard 9 Hindi medium. Today we are taking unit number 6. This is video number 1. The night train at Devli. Abhi reading kar rahe. So you just pay attention. Take your ball pen, notebook, and please sit and read with me in your textbook. So this is unit number 6, the night train at Devli. Pre-task में एक poem दी है, उसका नाम है In the Train. As we rush in the train, the train and the house go wheeling back. वो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी जैसे आपको मालूम है ट्रेन चलती है तो जैसे अपन को कोई धक्का मारता है रश एंड रश और वो आगे ही फॉरवर्ड बढ़ती जाती है ना. द ट्रीज एंड द हाउसेस गो व्हीलिंग बैक और ट्रीज और हाउस जो है वो पीछे पीछे जाते हैं गाड़ी आगे जाती है. बट द स्टेरी हेवंस अबाउ द प्लेन लेकिन वो जो वो स्टेरी जो हेवन से है वो अबाउ द प्लेन प्लेन यानी मैदान मैदान के अंदर जो स्टेयर बाय स्टेप आते रहते हैं ना उसको हेवन कहते हैं. कम फ्लाइंग ऑन आवर ट्रैक वो कैसे भी करके अपने ट्रैक पे आ जाते हैं. ऑल द ब्यूटिफुल स्टार ऑफ द स्काई सारे आकाश के जो तारे हैं वो ब्यूटीफुल है. द सिल्वर डोज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नाइट और सुनहरे चांदी के कलर के जो जैसे आकाश के अंदर कबूतर है डोज यानी कबूतर पिजन. ओवर द डल अर्थ स्वॉर्म एंड फ्लाई पृथ्वी डल लग रही है ना वो स्वॉर्म हो रही है और फ्लाई कर रही है. कंपेनियंस ऑफ आवर फ्लाइट और ये सब हमारे साथी है कंपेनियन है. आप जो उड़ रहे हो ऐसा लगता है क्योंकि पृथ्वी डल रही है नीचे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है. वी विल रश ओवर द विदाउट फियर और हमें बिगर डर से आगे की आगे धसमसते जा रहे हैं. लेट द गोल बी फार द फ्लाइट बीट फ्लिट और फ्लाइट फ्लिट के जैसा हो गए. फॉर वी कैरी द हेवंस विथ अस डियर व्हाइल द अर्थ स्लीप्स फ्रॉम अंडर आवर फीट और पृथ्वी जैसे हमारे पैर के नीचे से सरक रही है. ये पोएम लिखने वाले हैं जेम्स थॉमसन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट ओनली टुडे रीडिंग द लेसन एंड इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल डू एक्सरसाइज. फिर भी यहाँ मार्क ट्रू और फेल्स लिखे है बट वी विल नॉट डू टुडे ओनली जस्ट लेटर्स रीड. अभी खाली हम रीडिंग कर रहे हैं. One, stars are like bright bird. Dusra, we are sleeping on the earth. Star feels sigh, sky is changing. The dark night looks like a forest. Chahe maidan ho phir bhi wo aisa hi dikhta hai. It seems as if trees are racing with us. The journey is scaring. Recollect the meeting with the stranger during the journey on the train or bus and share detail of the person with your classmate. You may use your mother tongue. आप आपकी भाषा में बात कर सकते हो.
When I was at college, I regularly spent my summer vacation in Dehra, at my grandmother's place. क्या कहते हैं, जब मैं कॉलेज में था मैं रेगुलरली मेरी गर्मी की छुट्टियाँ देहरा में उसके ग्रैंड मदर के यहाँ बिताता था. आई वुड लीव आवर प्लेन्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई. वो जल्दी उठ जाता था मई महीने के अंदर, और मई महीने में वो अपना मैदान छोड़ देता था और उसके यहाँ जाता था और रिटर्न लेट इन जुलाई, और जुलाई के अंत में वो आता था. देओली वॉज अ स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा. देहरा से 50 किलोमीटर दूर देवली नामक छोटा सा स्टेशन था जहाँ उनकी ग्रैंड मदर यानी दादी रहती थी. इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल ऑफ इंडियन तराई. जो तराई के जंगल है नेपाल इंडिया की बॉर्डर पर, देहरादून उधर उसके बॉर्डर पे, ये 50 किलोमीटर दूर देवली नाम का गांव आया है. आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट दिल्ली एंड स्पेंड द डे देयर. उसने नक्की किया कि भाई एक दिन में ट्रेन से उतर कर वहाँ एक दिन बिताएगा. आई वॉज 18 विजिटिंग माई ग्रैंड मदर एंड एट द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली ए गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट्स. अभी हुआ ऐसा कि एक दिन उसने नक्की किया, फिर वो 18 साल का था और उसकी दादी के यहाँ जाने के लिए निकला, तो रात को गाड़ी रुकी देवली में, तो देवली तो उसको जाने ही था तो वहाँ उतर जाता है. एक गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट. बास्केट बेचने के लिए एक लड़की वहाँ प्लेटफॉर्म पर थी. इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड ए शॉल अक्रॉस हर शोल्डर. ये ठंडी की सुबह सुबह थी और लड़की के पास उसके खभे पर एक शॉल थी. हर फीट वेयर बेयर एंड हर क्लॉथ्स वेयर ओल्ड. उस लड़की के पैर खाली थे, उसने पैर में कुछ पहना नहीं था और उसके कपड़े पुराने थे. सी वॉज ए यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली टॉवर्ड्स मी. वो एक युवान लड़की थी और वो उसकी तरफ आती है. वेन सी केम टू माई विंडो सी स्टॉप्ड, सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंसली. वो उसकी खिड़की की तरफ आई, वो वहाँ रुक गई, उसने देखा कि मैं उसकी तरफ इंटेंसली देख रहा हूँ. बट द फर्स्ट सी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस. पहले उसने ऐसा एक्टिंग किया जैसे उसको पता ही नहीं है. सी हैड अ पेल स्किन शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आईज. शी हैड अ पेल स्किन. उसकी जो चमड़िया थी वो रूखी सूखी जैसे थी और डल स्क्रीन थी, लेकिन बाल शाइनी थे, चमक रहे थे, और आंखें डार्क थी, काली थी. एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड लिवली मीट माइंड.
और वो आंखें सर्च करके मुझे मिली। शी स्टूड बाय माय विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग बट व्हेन शी मूव्ड ऑन आई डोंट नो व्हाई लेफ्ट माय सीट एंड रश टू द कैरेज डोर। वो बारी के अंदर था, ये बारी के बाहर थी, विंडो के पास में आके खड़ी हुई कुछ समय के लिए, ना वो कुछ बोली, लेकिन वैन सिम्यूल उसको ऐसा लगा भाई ये लेने वाला नहीं है, तो वो वापस मुड़ने लगी। तब न जाने क्यों वो अपनी जगह से उठा और वो दरवाजे की तरफ गया। सी नोटिस्ड मी एट द डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म पर राह देखने लगी। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द सी टू टी स्टॉल, ए किटली वॉज बॉइलिंग अ स्मेल फायर। वो चाय की जो स्टॉल होता है वहाँ गया, किटली चाय पर, किटली में चाय गर्म हो रही थी। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, वो लड़की स्टॉल के बाजू में आई, उसके पीछे आई। डू यू वॉन्ट टू बाई बास्केट, सी आस्क्ड, उसने पूछे क्या आप बास्केट खरीदना चाहते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ फाइनेस्ट केन, ये बहुत ही मजबूत है और फाइनेस्ट केन लगा पट्टियों से बने हुए है। नो आई सेड आई डोंट वॉन्ट बास्केट, नो मुझे बास्केट नहीं चाहिए। We stood looking at each other for a very long time and then she said, Are you sure you don't want basket? क्या सचमुच आपको basket नहीं चाहिए? उसने जब ऐसा पूछा तो ये क्या कहता है, Give me one, I said, and I took the one up top and gave her a rupees. I wished to touch her finger, but could not. वो उसकी उंगलियों को छूना चाहता था कि ठंडी है क्या है, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं कर पाया। The guard blew his whistle and said something, but it was lost in the clanging of the bell. गार्ड की सीटी जोर से बची और वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो जो सीटी की आवाज़ थी ना उसके अंदर वो हिसिंग ऑफ द इंजन और वो इंजन की जो आवाज़ आता है ना उसके अंदर क्या क्यों बोल गई उसको पता नहीं चला। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, आई वॉचड हर द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे। उसने उसको प्लेटफॉर्म पर देखा फिर वो चला गया। सी वॉज एलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव, बट सी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, वो प्लेटफॉर्म पे अकेली थी और मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। आई वॉच हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, और रास्ते में सिग्नल बॉक्स आया वहाँ तक वो उसको देखता ही रहा। एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन, और बाद में जंगल शुरू हुआ तो उसने स्टेशन को ढक दिया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर एलोन, फिर भी वो उसको वहाँ देखा हुआ खड़ी हुई देख रहा था। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, आई कुड नॉट फॉरगोट द गर्ल फेस एंड हर डार्क ब्राइट आइज, वो उस लड़की का फेस और उसकी डार्क आँख और डार्क बाल और ब्राइट आइज को भूल नहीं पा रहा था। बट वेन आई रीच्ड देरा द इंसिडेंट गॉट ब्लर्ड एंड डिस्टेंस, और देर वेर अदर थिंग्स इन माई माइंड,
जब वो देरा पहुंचा तो उसको ये इंसिडेंट ब्लर्ट कर रहा था. तब जब ये देहरा पहुंचा तो ये बना उसको धुंधला सा उसके दिमाग में याद रहा था, वो उसको याद कर रहा था. इट वॉज ओनली वैन ही वॉज मेकिंग अ रिटर्न जर्नी 2 months लेटर, वो 2 महीने बाद जो वापस जा रहा था तब भी उसको याद था. देट आई रिमेंबर द गर्ल, वो लड़की मुझे याद आ रही थी. Waking up the platform, I ran to the door and waved at her. वो प्लेटफॉर्म की ओर गया और उस वो आई रेन टू द डोर, दरवाजे की तरफ भागा और वो लड़की को हाथ हिलाकर बोला, हाथ हिलाया. When she saw me, she smiled. जब उसने देखा वो उसकी तरफ मुस्कुराई. She was pleased that I remember her. उसको वो लड़की भी उसको याद करती थी ये जान के वो खुश हुई. आई वॉज प्लीज दैट सी रिमेंबर मी, और मैं भी उसको देखकर खुश, मुझे खुशी हुई कि वो मुझे भी याद कर रही थी. We are just taking this lesson reading up to here. अभी हम यहाँ तक लेते हैं. Remember me, I was pleased that she remember me. Next episode में ये lesson पूरा करेंगे. बराबर. Still bye.